हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आज हमारा है पार्ट 7 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आखिरी टॉपिक होगा, इसके बाद हम मेजर ऑफ वेरिएशन से शुरुआत करेंगे। और इसके पहले हमने हार्मोनिक मीन पे बात की थी, फिर और जो भी टॉपिक्स है रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडेंसी वो हमने बात की। अगर आपने वो नहीं देखे तो आई बटन पे प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर उस क्लिक करके आप चेकआउट सारे वीडियोस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, एग्जाम्पल्स और मेथड्स एंड लिमिटेशन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स वेरी ऑफन वी आर फेस्ड विद क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू परसेंटेज रेट्स ऑफ चेंज ओवर टाइम। इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स और बिजनेस में कभी कभी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पर्टेनिंग टू परसेंटेज रेट ऑफ चेंज ओवर टाइम। के परसेंटेज रेट ऑफ चेंज क्या है, टाइम जब गुजरता है उसमें परसेंटेज रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है, उसके रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें नाइदर द मीन द मोड और द मीडियन इज़ द अप्रोप्रिएट एवरेज टू यूज़ इन दिस इंस्टेंसेस। इस इंस्टेंसेस में ना मीन, मीडियन और मोड कोई भी अच्छा मेजर ऑफ एवरेज नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ सेल ऑफ अ कंपनी। ईयर 2014, 15, 16, 17 का सेल्स दिया है इन मिलियन टन्स। पहले साल में 20.2 मिलियन, फिर 22.5, वैसे 23.9, वैसे 28, ऐसे मिलियन टन्स सेल्स हुआ था कंपनी के बारे में दिया। सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ चेंज पर ईयर इन सेल्स। हमको क्या फाइंड करना है कि भाई एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ चेंज पर ईयर क्या है, ऑफ सेल्स पर ईयर क्या है, जो सेल किया है उसमें उस कंपनी का एवरेज परसेंटेज रेट ऑफ चेंज क्या है, वो हमको फाइंड करना है। दैट इज़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्स्टेंट ईयरली परसेंटेज रेट ऑफ चेंज विच वुड बी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम 20.2 मिलियन टन्स ऑफ सेल्स इन 2014 टू 28 मिलियन टन्स इन 2017। हम क्या इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे वो कांस्टेंट परसेंटेज रेट ऑफ चेंज की वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू चाहिए परसेंटेज की, जो वैल्यू मुझे 20.2 मिलियन टन की सेल से 28 मिलियन टन की सेल में ले जाएगा, जो 2014 में होता और फिर 2017 में होता, वो कांस्टेंट परसेंटेज वैल्यू क्या है। और उस सर्कमस्टेंस में द करेक्ट आंसर कैन बी ऑब्टेन थ्रू द यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर हमको कौन दे सकता है, ना मीन ना मीडियन ना मोड, वो कौन दे सकता है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हमको इस रिलेटेड, इस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस प्रॉब्लम के रिलेटेड राइट आंसर दे सकता है। डेफिनेशन पे आते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, क्या डिफाइंड होता है, एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डेटा। कोई डेटा है जिसमें n ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उस n ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट लेना है पहले और फिर उसका nth रूट लेना है, वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। इफ़ देर आर टू ऑब्जर्वेशन वी टेक द स्क्वायर रूट। अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो स्क्वायर रूट, तीन ऑब्जर्वेशन है तो क्यूब रूट, ऐसे चलता रहेगा। सो देयरफॉर हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या होगा कि GM ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट है फिर उसका nth रूट, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। वेयर x1 x2 x3 अप टू xn रिफर टू वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। x1 x2 x3 क्या है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमको दिए है उसका, उनको डिनोट कर रहे हैं इससे x1 x2 x3 से। टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन लॉगरिथम आर यूज। अब इसमें कभी कभी क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि पावर एस टू 100 पहुंच जाएगा या 200 पहुंच जाएगा या 150 पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना ऑब्जर्वेशन होगा उतना उसका रूट लेना पड़ेगा, उसका 1/nth रूट उसका लेना पड़ेगा। तो इस वजह से हमको सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आप इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 अप टू लॉग ऑफ xn अपॉन n, क्योंकि आपको पता है कि समझ लो कि x रेस टू 3 है, तो लॉग जैसे अप्लाई करेंगे क्या होगा कि 3 लॉग x हो जाएगा, पावर जो है नीचे आ जाएगा। वैसे यहाँ पे पावर में क्या है, सारे एक समझ लो ये पूरा x है, तो x रेस टू 1/n है, तो पहले तो क्या होगा कि n नीचे आ जाएगा और फिर log x हो जाएगा। तो ये हमारा log होने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है, log gm क्या होगा, log x1 प्लस log x2 तो log xn डिवाइडेड बाई n। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा log x डिवाइडेड बाई n, और फिर हमको ये हमको लॉगरिथम ज्योमेट्रिक मीन, हमको चाहिए ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो जैसे ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करेंगे कि log को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे,
जैसे ही लॉग को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे वो हो जाएगा एंटी लॉग, लॉग का इक्वल टू से इस साइड लेने से एंटी लॉग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। और ये क्या होगा फॉर्मूला हमारे अनग्रुप डेटा के लिए। तो ये फ्रेंड्स ये होगा हमारा अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला। तो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ ऑफ लॉग एक्स बाय एन। बस क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारी ऐड हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में उसमें एफ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है और फिर एक्स जो होगा हमारा मिड पॉइंट होगा वो आपको सब पता ही है। तो बस इतना ही फ़र्क आएगा उसमें एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन और इसमें होगा एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स बाय एन वेयर एक्स इज द मिड पॉइंट। हम दो एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमारे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इसमें हम लॉगरिदम वायर कैलकुलेटर ही देखेंगे, लॉगरिदम्स हम सीधा कैलकुलेटर से देख लेंगे। ओके सो द एनुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ फैक्ट्री इन 5 ईयर्स आर, एक फैक्ट्री का एनुअल ग्रोथ ऑफ आउटपुट क्या है इन परसेंटेज ये है कि 5, 75, 7.5, 2.5, 5 and 10 रिस्पेक्टिवली। वॉट इज़ द कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर एनम फॉर द पीरियड, इस पूरे पीरियड का कंपाउंड मतलब मिला के मतलब वो कॉन्स्टेंट वैल्यू की बात हो रही है वो क्या होगा आउटपुट पर एनम फॉर द पीरियड। अब हमने एक टेबल बना लिया है जिसमें हम लिखा है कि एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ वो क्या है 5, 7.5, 2.5, 5.0 and 10 आउटपुट रिलेटिव्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसमें हम क्या करेंगे एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम ये हमको 5% ऐसा ग्रोथ दिखाया कि भाई 5% या 7.5% ग्रोथ हो रहा है पर हम किसी के रिलेटिव लेना पड़ेगा ना। तो हम प्रीवियस ईयर को 100 मान के चलेंगे उसके रिलेटिव ये ग्रोथ हो रहा है मतलब पहला 100 तो फिर हो जाएगा हमारा 100.5.0 ये हमारा 105.0 ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। फिर उस रिलेटिव प्रीवियस ईयर को 100 मांगेंगे इसके रिलेटिव क्या होगा 107.5 ऐसे ही हमको इसमें ये करना पड़ेगा फिर होगा 105.0 फिर से और फिर 110 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इन सब का सिंपल लॉग एक्स फाइंड कर लेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है आंसर्स हमारे कैलकुलेटर में हम फटाफट देख लेंगे। तो लॉग ऑफ पहले होगा 105 वो क्या होगा 2.0212 होगा फिर होगा हमारा लॉग ऑफ 107.5 विच होगा 2.0314 फिर होगा हमारा लॉग ऑफ सॉरी लॉग ऑफ 102.5 होगा हमारा 2.1007 ओके फिर होगा हमारा फिर से लॉग ऑफ 105 वो तो आपको फाइंडिंग है 2.0212 लॉग ऑफ 110 इज 2.0414 अब हम इसका क्या कर देंगे फाइनल प्लस कर देंगे सारे वैल्यूज को सिग्मा फाइंड कर लेंगे तो होगा 2.0212 प्लस 2.0314 प्लस 2.0107 प्लस 2.0212 प्लस 2.0414 फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 10.1259। अब ज्योमेट्री मीन की फॉर्मूला आपको पता ही है कि एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब भाई इसमें एन क्या है 1, 2, 3, 5 ऑब्जर्वेशन दिया मतलब एन हमारा 5 हो जाएगा। सो एंटी लॉग ऑफ होगा सिग्मा लॉग एक्स मतलब हमारा होगा 10.1259 डिवाइडेड बाय एन हमारा होगा 5 तो एंटी लॉग ऑफ डिवाइडेड बाय 5 2.02518 सो फ्रेंड्स हमारा एंटी लॉग ऑफ 2.02518 या 5.2 का क्या होगा हमारा आंसर फाइनल आंसर होगा वो होगा 105.9 ये हमारा आंसर होगा। अब हमको पता है कि हमने रिलेटिवली हमने बेस क्या मान लिया था 100 मान लिया था कि 100 है तो उसका पहले साल ग्रोथ हुआ कि 105 हो गया फिर 107 तो हमने 100 मेज माना था। ये एक्चुअल आंसर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इससे हमको 100 को माइनस करना पड़ेगा इस 105.9 से 100 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5.9%। तो दिस इज द कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर एनम फॉर द पीरियड।
ये हमारा जो कॉन्स्टेंट वैल्यू की बात हो रही थी कि हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू में गया, इस वैल्यू से हम इतना ग्रोथ ले सकते हैं हर साल। ओके, तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। फिर एक कंटिन्यूस वाला भी एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन हमको दिया है, इसका हमको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हमको ये इस दिशा आपने ये दिया है 40-50 रेंज दिया है, तो हम उसका पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो 40 प्लस 50 मतलब 90 डिवाइड बाई 2 मतलब ये होगा हमारा 45। वैसे ये होगा 55, 65, 75, 85 और 95। ओके, फिर ये हमारा x हो गया। अब हमको log x फाइंड करना है, तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं सबका log x। सो log 45 विच इज़ 1.6532। फिर हम करेंगे log ऑफ 55, इस होगा 1.7404। फिर होगा हमारा log ऑफ 65 विच इज़ 1.8129। फिर होगा log ऑफ 75 1.8751। फिर हमारा होगा log ऑफ 85 विच इज़ 1.9294। एंड फाइनल होगा हमारा log ऑफ 95 विच इज़ 1.9778। ओके, और अब सारे को हम f से फ्रीक्वेंसी हमको दिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.6532 और होगा 12। इसका आंसर आ जाएगा 19.8384। फिर होगा हमारा log ऑफ 1.7404 × 10, तो हो जाएगा 17.404। फिर होगा 1.8129 × 15, हो जाएगा 27.1935। वैसे हम सारे आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फाइनल आंसर जो है सारे फ्रीक्वेंसी को log x से मल्टीप्लाई करने से और समेशन लेने से वो है 117.681। और हमारा जो नंबर ऑफ पर्सन मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ या n वो है 65। तो फॉर्मूला में रख देते हैं तो हमको सीधा आंसर मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 117.681 डिवाइडेड बाई 65 विच इज एंटी log ऑफ 1.8105 विच इज 64.65। इसमें होगा ज्योमेट्री मीन इज इक्वल्स टू 64.65 हमारा फाइनल आंसर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेटर अगर आपको अलाउड है यूज़ करने के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ करना नहीं है। log फाइंड करो, फिर समेशन करो, फिर एंटी log कर दो, मतलब जैसा ही मीन जैसा ही है, बस इसमें log और एंटी log करना है, बस दूसरा कुछ फ़र्क आता नहीं है। हाँ, अगर आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उस केस में हम नहीं जा रहे अभी। सो फ्रेंड्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन की बात करते हैं। सो ज्योमेट्रिक मीन इज़ हाईली यूजफुल इन एवरेजिंग रेशियोज एंड परसेंटेजेस इन एंड इन डिटरमाइनिंग रेट्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग। हमने पहले ही बात की थी कि ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ कर सकते हैं रेशियोज और परसेंटेज में, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए भी बहुत कैपेबल होता है ये हमारा एरिथमेटिक, मतलब कंपाउंड एरिथमेटिक में कंपाउंड ज्योमेट्रिक मीन भी आप वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिमिटेशन में आते हैं, हाउएवर कंपेयर टू एरिथमेटिक मीन दिस एवरेज इज मोर डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड इंटरप्रेट। हाँ, तो ये कंपेयर टू एरिथमेटिक मीन थोड़ा कंप्यूट करने में बहुत मुश्किल है और इसका इंटरप्रिटेशन भी इतना ईजी नहीं है, कोई ईजिली आप इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू आपको मिल जाए, आंसर मिल जाए कि भाई इसका ये इंटरप्रिटेशन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है इसमें कंपेरेटिवली एरिथमेटिक मीन। और इसमें अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो थोड़ा और हार्ड हो जाता है लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम फाइंड करने में। ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन देयर आर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज इन अ सीरीज। कोई सीरीज दी है, कोई हमको डेटा दिए, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी है, तो फिर ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है करने में, कैन नॉट बी कंप्यूटेड, डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते। और मोर ऑब्जर्वेशंस आर हैविंग जीरो वैल्यू, ऐसा डेटा है आपके पास कि जिसमें बहुत सारे वैल्यू डेटा के वैल्यूज ऑब्जर्वेशन के वैल्यूज है वो जीरो है, तो उसमें भी ये ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन के
लिमिटेशन। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।